प्यारे मित्रों, आप सभी इमेजिन करिए कि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, तो इन कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना बढ़ सकता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि किसी कैंडिडेट ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ओके, थोड़ा बहुत प्लस 5 माइनस 5 कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, करेक्ट क्वेश्चन इनके निकलते हैं 60, इनकरेक्ट निकलते हैं 5, और इनका डेटा निकालने के बाद एक्यूरेसी जो मेंटेन होती है वो होती है 92.33 means 92.33%। इसके बाद इनका जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो रो मार्क्स निकलेगा 118, ओके। अब दोस्तों, इन्होंने जो मेंटेन रखी है वो एक्यूरेसी है, और इनका पेपर लेवल था हार्ड था, तो इस हिसाब से इनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा माना जाएगा, और गलत क्वेश्चन बहुत कम टच किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मेंटल पावर दिखाता है, ओके। तो इस प्रकार इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये देखिए, इनका स्कोर 118 से 145 से 148 तक जाएगा ही 98%, ओके, डंके की चोट पर बोलता हूं, 145 से 148 इनका स्कोर होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी स्कोर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट बात करता हूं। अब बात करते हैं इजी लेवल वालों, सॉरी मॉडरेट लेवल वालों की। प्यारे मित्रों, जिनका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ उनका कुछ डेटा फैक्ट इस प्रकार हो सकता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जस्ट इमेजिन टोटल अटेम्प्ट 84 किए क्योंकि पेपर मॉडरेट था। इसके बाद यहां पर इनके करेक्ट क्वेश्चन 72 है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा। मैं आपको बस बता रहा हूं कि कुछ इस प्रकार डेटा फैक्ट होते हैं तो किस प्रकार मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 12, और इनकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है 85.55%, ओके, तो मॉडरेट के हिसाब से ठीक है। वहीं रो मार्क्स की बात करूं तो 138 का बनता है। आप जानते हो कि इसमें एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा मार्क्स घटता है, डिडक्ट होता है, ओके? तो दोस्तों, ओवरऑल इस तरह के डेटा फैक्ट है, प्लस 5 माइनस 5 का डिफरेंस हो तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो देखिए, इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो बन सकता है वो बनेगा 152 से 153, ओके? तो दोस्तों, ये रहा मॉडरेट शिफ्ट वालों का। तो प्यारे मित्रों, सिंपल वे में बोले कि आपका एग्जाम यदि हार्ड शिफ्ट में है तो 27 से 30 मार्क्स बढ़ेंगे यदि एक्यूरेसी 90 प्लस रखते हो, क्योंकि एक्यूरेसी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये भी एक आपके एग्जाम का बेस्ट पार्ट माना जाता है, ओके, और मेंटल पावर को दिखाता है। वहीं मॉडरेट लेवल वालों के 14 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे यदि कुछ डेटा फैक्ट आपका इस प्रकार। मित्रों, बात करते हैं इजी टू मॉडरेट वालों का। तो इजी टू मॉडरेट वालों का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन टोटल अटेम्प्ट इन्होंने 86 किया, इनके राइट क्वेश्चन 78 निकलते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन 8 निकलते हैं, और इस प्रकार कैलकुलेशन करने में एक्यूरेसी जो मेंटेन होती है वो 88.64%, ओके, और इनको कैलकुलेट करने पर रो मार्क्स जो बनेगा वो 152 का होगा। अब फाइनल स्कोर इनका कितना हो सकता है, देखिए, ओवरऑल हम बात करें तो इनका इस प्रकार डेटा फैक्ट होने के बाद इनका जो स्कोर बनेगा वो 157 से 159 बनेगा। तो इनका स्कोर कितना बढ़ेगा प्यारे मित्रों, 5 से 7 नंबर, यदि कुछ इस प्रकार डेटा फैक्ट है। सुविधा अनुसार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और नेक्स्ट, ये रहा, जस्ट इमेजिन आपने कर ही लिया होगा इजी शिफ्ट वालों का। तो इजी शिफ्ट वालों का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने टोटल अटेम्प्ट 94 मारे क्योंकि इजी है, करेक्ट क्वेश्चन के 82 निकलते हैं, और इस तरह के सेशन में इनकरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, 12 क्वेश्चन, ओके, तो एक्यूरेसी जो इनकी मेंटेन होगी वो 87.23% की होगी। तो देखिए, इनका रो मार्क्स पूरा कैलकुलेशन करने में 158 का बनेगा, और इनका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा वो होगा आपका 159 से 161। यदि थोड़ा बहुत एक्यूरेसी और ऊपर रखेंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऊपर नीचे नंबर घट जाएंगे एक्यूरेसी बेस पर, ओके। एक्यूरेसी दोस्तों इज पावर नॉर्मलाइजेशन का, ओके। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, सहमति जताते तो लाइक करें इस वीडियो को, अन्य दोस्तों में शेयर करके उनसे राय लीजिए कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। ओवरऑल दोस्तों, मैं एक लाइन में कहूं कि आपका जो फार्मूला बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है वो इन सारे डेटा फैक्ट पर आधारित होता है, इसलिए गवर्नमेंट आपको बताती नहीं है, क्योंकि जैसे मैथ के क्वेश्चन कठिन करने के लिए आपको लॉजिकल बनाने के लिए कठिन कर दिया जाता है, उसी तरह फार्मूला भी आपके सामने रखा जाता है। ओवरऑल सिंपल फार्मूला आपका ये है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बी लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब नाउ विद नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।